1912 14 अक्टूबर के दिन यूएस के 26वें प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट जब अपनी प्रेसिडेंसी का कैंपेन चला रहे थे तो उसी वक्त एक सैलून कीपर जॉन फ्लैमेंग स्क्रैंक ने उनको गोली मारी और वो गोली सीधा उनके चेस्ट पे लगी। लेकिन नसीब की बात तो ये थी कि वो गोली उनके जैकेट में रहे 50 पेज के फाइल और स्टील के आई ग्लास पे लगी, जिसकी वजह से गोली की रफ्तार कम हो गई और उनके लंग्स को छू नहीं पाई, इसी वजह से वो बच गए। लेकिन उससे भी बड़ी फैक्ट की बात तो ये है कि उनको गोली लगने के बाद और शरीर से खून निकलते रहने के बाद भी उन्होंने लगभग 90 मिनट तक अपने स्पीच को कंटिन्यू रखा था। और डॉक्टर्स ने कहा अगर ये गोली निकाली गई तो उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी जीवन भर में कभी भी वो गोली नहीं निकलवाई थी। तब भी वो एक बुलमुस की तरह बहुत ही फिट थे, इसी वजह से उनकी पार्टी का नाम भी द बुलमुस पार्टी रखा गया। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।